टीम इंडिया का नया तूफान जो बड़े बड़े बल्लेबाजों पर हो जाता है हावी, नाम है उसका शिवम मावी। यूपी के एक छोटे से गांव से आया आतही कहर गेंदबाजी से तहलका मचाया। जिसे द्रविड़ ने पहचाना, डीके ने बनाया, हार्दिक ने खिलाया। पहले ही मैच में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो बड़े से बड़ा सूरमा नहीं बना पाया। जी शिवम मावी, यूपी के एक छोटे से गांव से निकला वो तूफान जिसने टीम इंडिया से खेलते हुए पहले ही मैच में मचा दिया घमासान। मावी ने वो कर दिखाया जो जसप्रीत बुमराह, जहीर खान, श्रीनाथ जैसे बड़े बड़े भारतीय तेज गेंदबाज भी नहीं कर पाए। पहले ही मैच में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आने वाले 10 सालों में भी शायद ही कोई और तेज गेंदबाज तोड़ पाए। ऐसे में हर कोई आज टीम इंडिया की इस नई सनसनी के बारे में जानना चाहता है, इसकी कहानी को सुनना चाहता है, तो हम भी बिना देर किए आपको शिवम मावी की संघर्ष और तपस्या से भरी कहानी सुनाते हैं। मावी की कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 के अंडर 19 विश्व कप से। इस वर्ल्ड कप में मावी ने अपने पेस से बल्लेबाजों की कपकपें छुड़ा दी थी। मावी यूपी के नोएडा से आते हैं और असली वाले तेज गेंदबाजी करते हैं। मावी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की गेंद लगातार फेंक सकते हैं। एक के बाद एक साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती टीम इंडिया के मेंबर थे मावी। पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, कमलेश नागरकोटी इनके साथी थे। राहुल द्रविड़ शिवम मावी के गुरु थे। यहीं से मावी को द्रविड़ ने पहचाना, फिर आईपीएल में दिनेश कार्तिक ने मौका दिया और फिर हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ टीम इंडिया में खिलाया बल्कि इस गेंदबाज को पहले ही मैच में भुनाया। 26 नवंबर 1998 को यूपी के मेरठ शहर के एक छोटे से गांव सीना में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम शिवम पंकज मावी है। पिता पंकज मावी एक व्यवसायी हैं जो बाद में परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा आकर शिवम के पिता ने उनका एडमिशन सिटी पब्लिक स्कूल में करा दिया। शिवम मावी को बचपन से ही खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी, जिसमें क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते थे। उनके पिता शिवम की क्रिकेट के प्रति बढ़ती दीवानगी से लगातार नाराज होने लगे। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन शिवम मावी छोटी उम्र से ही क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगे थे। वो पढ़ाई करने के दौरान अपने घर की गलियों और आसपास के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। कई लोगों ने उनके पिता से शिवम के खेल की प्रशंसा की। शिवम भी चाहते थे कि वो क्रिकेट के गुर सीखें। उनके पिता ने बेटे की काबिलियत और जुनून को देखते हुए फूलचंद शर्मा की वंडर्स क्रिकेट एकेडमी में उनका एडमिशन करा दिया। 8 साल की उम्र में ही शिवम तेज गेंदबाजी में काफी अच्छे दिखने लगे। साल 2008 में शिवम को फूलचंद के रूप में एक काबिल कोच मिल गया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद शिवम एकेडमी पहुंच जाते और बंद होने तक अभ्यास करते। कोच की ट्रेनिंग से कुछ ही दिनों में शिवम ने अपनी गेंदबाजी में पहले से बहुत ज्यादा सुधार पा लिया, लेकिन इस दौरान शिवम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें बाहर खेलने जाने का ऑफर आने लगा, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में छुट्टी की अर्जी लगानी पड़ती थी, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर देता था। बावजूद इसके शिवम के कोच और उनके पिता उनका सहयोग करते थे। पिता और कोच की मेहनत का ही नतीजा था कि शिवम इस काबिल हो गए कि उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व कप 2018 के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। इस विश्व कप में शिवम मावी ने अपनी गेंद से कहर मचा डाला। शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए। शिवम ने विश्व कप में अपनी घातक गेंदबाजी की बदौलत आईपीएल फ्रेंचाइजियों का भी ध्यान खींचा। साल 2018 में आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शिवम मावी को 3 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर खरीदा, लेकिन मावी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद चोट के चलते टीम से बाहर हो गए। चोट इतनी भयानक थी कि डॉक्टरों ने कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन शिवम ने हौसला नहीं खोया, कड़ी मेहनत की और फिर एक बार केकेआर में दमदार वापसी की। लेकिन शिवम के टैलेंट की असली पहचान हार्दिक पांड्या ने की और आईपीएल 2023 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि हार्दिक शिवम मावी को अपनी कप्तानी में T20 में भी ले आए और पहले ही मैच में डेब्यू करा दिया। मावी पर भरोसा करके हार्दिक पांड्या ने सही किया या गलत, ये मावी ने अपने पहले ही मैच में अपने प्रदर्शन से साबित करके दिखा दिया। मावी टीम इंडिया की तरफ से T20 में 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले प्रज्ञान ओझा और बरिंदर सराही टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू T20 में 4 विकेट ले पाए थे। कुल मिलाकर शिवम मावी ने अपने T20 करियर का आगाज बहुत शानदार किया है और उनके संघर्ष को देखकर ये साबित भी होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसी लगी आपको शिवम मावी की ये अनसुनी कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।